गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में अबाउट द शेप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप जो कैसी होती है। अगर मैं मैक्स बॉर्न की बात करूं तो इन्होंने बताया था कि जो वेव फंक्शन होता है, वेव फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं साइन से। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये बताता है हमें कि कहीं पर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स के किस पॉइंट पर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। ठीक, तो ये उसके बारे में जानकारी देता है एट द पॉइंट एंड एट द सम ऑफ द पॉइंट इन द ऑर्बिटल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ऑर्बिटल हम मान लेते हैं तो यहाँ पर किस जगह पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, यहाँ, यहाँ या फिर बीच में। ठीक, तो दैट इज़ ऑल गिवन बाय द साइन स्क्वायर। तो उसे साइन स्क्वायर के द्वारा हमें पता चलता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे। अंडरस्टैंड, सेकेंड पॉइंट में है, फॉर 1s ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस, यानी कि अगर हम 1s ऑर्बिटल की बात करें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है न्यूक्लियस के पास। इट्स डिक्रीजिज शार्पली एज वी मूव फ्रॉम अवे फ्रॉम इट, यानी कि जैसे ही हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होती जाएगी। अब देखते हैं हम प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ 2s ऑर्बिटल। इन द केस ऑफ 2s ऑर्बिटल में क्या होता है, डेंसिटी फर्स्ट डिक्रीज करती है शार्पली टू ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो वाला जो केस था उस केस तक, क्या ज़ीरो तक पहुंचती है, देन अगेन स्टार्टेड इंक्रीजिंग, और फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक, एक्चुअली यू कैन नोटिस दैट इन अ केस ऑफ पिक्चर्स, सो आई विल शो द पिक्चर्स इन नेक्स्ट स्लाइड और मे बी इन सम अदर वीडियो, कि हाउ कैन यू सी दैट। ओवर हियर आई कैन जस्ट से लाइक इन केस ऑफ द 1s ऑर्बिटल, यहाँ पर क्या होता है, दिस इज न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के और पास ये होगी ऑर्बिटल। इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रॉबिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी न्यूक्लियस के पास में। बट इफ वी टॉक अबाउट द 2s ऑर्बिटल, तो इसमें क्या होता है, जितना आप दूर जाते जाएंगे प्रोबेबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, किससे, 1s से दूर जाते जाएंगे। ठीक, और फिर क्या होता है, उसके बाद इंक्रीज होने लगती है। तो इसका मतलब जो बीच का ये सा वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है नोड। ठीक, यानी कि इस जगह पर लेस डेंसिटी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। आफ्टर रीचिंग अ स्मॉल मैक्सिमा, यानी कि कुछ दूर पहुंचने के बाद आप क्या देखेंगे, डिक्रीजिस अगेन, फिर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की डेंसिटी क्या होने की, डिक्रीजिस होती है और ये पहुंच जाती है लगभग जीरो तक। वैल्यू ऑफ आर इंक्रीजिस फर्दर, और जो जिससे क्या होता है कि जो उसकी रेडियस होगी वो क्या होगी, आगे बढ़ती जाएगी। रेजिन, यानी कि वो एरिया जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन रिड्यूसेस टू जीरो, यानी कि जहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाती है, उस एरिया को बोलते हैं हम नोडल। नोडल मीन यानी कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कहलाएगा नोडल सरफेस, या फिर सिंपली नोडल्स भी हम इसको बोलते हैं। ठीक, नोडल नोड या फिर नोडल सरफेस। अगर जनरली हम बात करें तो फॉर 1s ऑर्बिटल के लिए एन एस ऑर्बिटल हैज़ n-1 नोड्स, यानी कि हमेशा क्या होता है कि किसी, अगर हम n की बात करें तो यहाँ पर n-1 नोड्स होती हैं। जैसे अगर कोई पूछे कि अगर n की वैल्यू 2 दी गई हो तो यहाँ पर नोड्स कितनी है, तो आपको कुछ नहीं करना, नोड्स बराबर कितना आ जाएगा, n-1 मीन 2-1 दैट्स कम्स आउट 1। तो उस केस में क्या होगा, आपके पास क्लियरली डिफाइन होगा कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर जो नोड्स होंगी वो कितनी हो जाएगी, 1 नोड आ जाएगी। अगर n 3 होगा तो वहाँ पर 2 नोड्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीजिज विद इंक्रीज इन द क्वांटम नंबर, यानी कि अगर एन का नंबर बढ़ता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है, तो वहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ नोड्स भी बढ़ता रहेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर एन 2s की बात करें तो 2s के लिए हमारे पास नोड कितनी होगी, 1 होगी। अगर यहीं पे 3s हो जाए तो यहाँ पर नोड्स कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, यानी कि हमेशा एन के नंबर से 1 कम रहने वाला है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ द कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द डेंसिटी फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल गिव ए फेयरली गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेप्स, यानी कि उनके ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होंगी, शेप्स ऑफ द
ऑर्बिटल्स के बारे में। इन दिस प्रेजेंटेशन अ बाउंड्री सरफेस और अ काउंटर सरफेस इज ड्रॉन इन अ स्पेस फॉर एन ऑर्बिटल ऑन विच द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी इज कॉन्स्टेंट। यानी कि जब आप किसी एटम की सरफेस को देखेंगे, किसी एटम के अराउंड आप जब देखेंगे कि उसकी जो ऑर्बिटल्स होंगी उन्हें किस तरीके से ड्रॉ किया गया है, उससे आपको पता चलेगा कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की या पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और कहाँ पर कम है। तो जहाँ पर डेंस एरिया दिखाई देता है वहाँ पर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मोर हो जाती है, और जहाँ पर लेस डेंस एरिया होता है या बहुत ज़्यादा वाइट एरिया दिखाया जाता है एक एटम के अंदर, वहाँ पर क्या होती है, डेंसिटी कम हो जाती है। जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम होता है, न्यूक्लियस इज टेकन टू एट द ओरिजिन ऑफ द रेदर इट इज, यानी कि उसमें क्या होता है, ओरिजिन की जगह पर एक न्यूक्लियस ले लेंगे जहाँ पर क्या होता है, डायग्राम आर स्फेरिकल, यानी कि इनके डायग्राम जो मोस्ट ऑफ द टाइम स्फेरिकल से नहीं होते, ठीक, स्फेरिकल ना होकर लाइक जैसे कि हम जानते हैं एस ऑर्बिटल क्या होती है, स्फेरिकल होती है, लेकिन यहाँ पर डायग्राम स्फेरिकल नहीं होते। अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करें तो यहाँ पर क्या होते हैं, दो सेक्शन होते हैं और एस कॉल्ड लोब्स, और एस को क्या कहते हैं, लोब्स कहते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर पी ऑर्बिटल की बात करेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर मैं आगे दिखाऊंगा, इसकी स्ट्रक्चर कुछ लाइक दिस होती है, मतलब यहाँ पर क्या होती हैं, लोब्स होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। ये किसी भी दो साइडों में हो सकती हैं, जिसे टू लोब्स टचिस ईच अदर, जहाँ पर दोनों लोब्स एक दूसरे को टच करेंगी। साइज शेप एंड द एनर्जी ऑफ द थ्री ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल, और तीनों की तीनों तीनों जो ऑर्बिटल्स होंगी उनकी जो साइज होगा, शेप होगा और एनर्जी होगी, वो तीनों ही केस में आइडेंटिकल होगी। एक्चुअली इन केस ऑफ पी की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं जैसे कि पी के बारे में, पी का मतलब एल की वैल्यू हो जाती है 1, तो अगर हम एम की वैल्यू निकालें इसमें तो एम क्या बताता है हमको, केस की -1, 0 और +1, दैट्स मीन पी के अंदर क्या होती होंगी, तीन ऑर्बिटल्स होंगी, तो तीन ऑर्बिटल्स इसकी ये आ गई, ठीक। तो इसको बोलेंगे पहले वाले को पी एक्स, दूसरी वाले को बोलेंगे पी वाई और लास्ट वाले को बोलेंगे पी जेड, अंडरस्टैंड। तो दीज आर द थ्री ऑर्बिटल्स जिनके नंबर हमने दे रखे हैं ऑलरेडी, ये क्या है, इनके नंबर्स हैं जो बताते हैं कि इनकी पोजिशन क्या है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर इनकी जो शेप्स वगैरह होगी तीनों की, वो कैसी होगी, सिमिलर होगी। तो इवन इफ़ आई ट्राई टू ड्रॉ दिस पिक्चर्स, तो यू कैन से लाइक इफ समथिंग इज ऑन एक्स डायरेक्शन देन दिस इज कॉल्ड एक्स डायरेक्शन, ठीक, इफ समथिंग इज ऑन वाई डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड द वाई डायरेक्शन, इफ समथिंग इज ऑन जेड डायरेक्शन मीन आगे की ओर है अगर कुछ, तो दिस इज कॉल्ड जेड डायरेक्शन, अंडरस्टैंड। दीज बिकम्स द स्ट्रक्चर्स ऑफ द एक्स वाई जेड लोब्स ऑफ एन एटम। सिंस द लोब्स आर करेक्टराइज अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस पर होती हैं, वाई एक्सिस पर होती है और जेड एक्सिस पर होती है, दे आर डिजिग्नेटेड एज द अबव, यानी कि इनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कुछ ऐसी होगी, 2px, 2py और 2pz। यहाँ पर 2 जो है ये रिप्रेजेंट करता है n को, और p जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है एल को, और जो एक्स वाई वगैरह हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं एक्सिस को, मतलब कौन सी एक्सिस है। जैसे हम जानते हैं ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, और सामने की ओर जो होती है वो जेड एक्सिस होती है। इट शुड बी अंडरस्टैंड और अंडरस्टूड दिस के नो रिलेशन बिटवीन फर्स्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड एक्स वाई जेड डायरेक्शन, यानी कि जो आपका फर्स्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है उसके बीच और एक्स वाई जेड के बीच कोई भी रिलेशन नहीं होता, इन एनी ऑफ द केस इनके बीच कोई भी रिलेशन नहीं है, कि जेड डायरेक्शन वाले को हम हमेशा प्लस वन देंगे या फिर माइनस वन देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, इनका सब कुछ डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। ओवर हियर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बाउंड्री डायग्राम है 2p के, यहाँ पर 2px की बात चल रही है, तो ये लूप्स जो होंगी किस डायरेक्शन में होंगी, x की डायरेक्शन में होंगी, ठीक है। ऐसे अगर 2py की बात है तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, लूप्स y डायरेक्शन में हो जाएंगी,
ठीक है, यहाँ पर इसे थोड़ा घुमा दिया, अगर जेड की बात करें तो जेड वाले ये आ जाए, अंडरस्टैंड, दिस इज पी 2p जेड 2p वाई, अंडरस्टैंड, ओके। नाउ वी टॉक अबाउट द डी ऑर्बिटल, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्बिटल बिकॉज वी नो एस पी डी। यहाँ पर एस के लिए एल की वैल्यू होती है 0, पी के लिए 1 हो जाती है, और डी के लिए हो जाती है यहाँ पर 2, ओके। यहाँ पर 5 डी ऑर्बिटल्स आर डिजिग्नेटेड, ऐसा कि हम जानते हैं कि डी के लिए अगर यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई 2, तो यहाँ की अगर हम एम की वैल्यू निकालें तो हमारे पास एम की वैल्यू आ गई -2, -1, 0, +1 और +2, ठीक है। अब इस ऑर्बिटल्स को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो कितनी ऑर्बिटल्स हो गई यहाँ पर, 5 ऑर्बिटल्स हो गई, तो यहाँ पर हम इसको यू करके 5 दिखा देंगे। अब अगर मैं इसको नंबर देना शुरू करूँ, जैसे 2 के लिए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर पहली ऑर्बिटल है उसे हमने मान लिया कि चलो ये एक्स वाई है, ये मान लिया हमने डी वाई जेड है, और इसे मान लिया हमने डी एक्स जेड है, इस वाले को मान लेंगे हम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जो लास्ट वन बची है वो हो जाएगी डी जेड स्क्वायर, ठीक। तो ऐसे पांचों ही ऑर्बिटल्स क्या हो जाती है, ये मैग्नेटिक नंबर बताता है, और इसकी ऑर्बिटल्स अगर जिस डायरेक्शन में भी होंगी वो कहलाएगा उसका कि वो कौन सी वाली डायरेक्शन में है, दैट इज नोन एज इट्स डायरेक्शन। इट्स वेरी वेरी ब्रिलियंट और वेरी ऑसम वीडियो गोइंग टू बी, ओके। द शेप ऑफ द फर्स्ट 4d ऑर्बिटल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, यानी कि जो स्टार्टिंग की 4 होती हैं उनकी शेप्स क्या होती है, एक दूसरे के सिमिलर ही होती है लगभग, लेकिन जो पांचवी है, फिफ्थ वन है, दैट हैज अ डिफरेंट शेप। तो फाइव हैव द 3d ऑर्बिटल्स एंड आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी, और ये सब की सब क्या होती हैं, एक दूसरे के इक्विवेलेंट इन एनर्जी होती हैं। डी ऑर्बिटल जो है वो एन ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, यानी कि डी ऑर्बिटल के लिए या तो 3 हो नंबर या फिर ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। सेफ सिमिलर टू 3d ऑर्बिटल होगी बट डिफर इन एनर्जी, लेकिन इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिफर हो जाएगी, अंडरस्टैंड, ओके। जैसे अगर 3 से ज़्यादा, अगर 3 वाले की एनर्जी अलग होगी और 4 वाले की एनर्जी अलग होगी। व्हेन टू नोडल प्लेन्स पास थ्रू द सेम ओरिजिन, सपोज करो यहाँ पर एक ऑर्बिट ये हो गई, एक ये है, और एक ऑर्बिट ये है, एक ये है। अब ये आपने देखा कि यहाँ पर टू टू ऑफ देम आर पासिंग थ्रू ओनली सिंगल ओरिजिन से जा रहे हैं, और अगर हम इनको बाईसेक्ट कर दें, यानी कि बाईसेक्ट कर दें, यानी कि हम इनको बांट दें एक्स वाई एंड द जेड प्लेन के द्वारा, देन दीज नोड्स आर कॉल्ड द एंगुलर नोड्स। तो इन नोडल्स जो बनती, तब ये नोड्स जो बनती हैं, इन नोड्स को बोलते हैं एंगुलर नोड्स, यानी कि जहाँ पर क्या कर रही हूँ, दो नोड्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट्स कर रही हूँ, और जो एंगुलर नोड्स होती हैं उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं एल से, ठीक, डिनोटेड बाय एल। एंगुलर नोड्स पी ऑर्बिटल्स और टू एंगुलर नोड्स फॉर डी ऑर्बिटल्स, यानी कि अगर हम पी ऑर्बिटल्स की बात करें तो यहाँ पर 1 नोड होगा, और अगर डी ऑर्बिटल की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 नोड्स हो जाएगा फॉर द डी ऑर्बिटल्स। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर गिवन बाई एन माइनस 1, ये हमको टोटल नंबर ऑफ नोड्स दे देगा, और सम ऑफ एल एंगुलर नोड्स आर कॉल्ड एन माइनस एल माइनस 1, जो हमको देगा रेडियल नोड्स। यहाँ पर याद रखना कि अगर कोई पूछता है आपसे एंगुलर नोड्स के बारे में, देन यू हैव टू आंसर कि देयर इज एल, नंबर ऑफ एल के बराबर होगी रेडियल नोड्स, एंगुलर नोड्स। अगर कोई पूछता है आपसे कि यहाँ पर नोड्स कितनी हैं, देन द फॉर्मूला इज एन माइनस 1, और अगर कोई पूछता है यहाँ पर रेडियल नोड्स कितनी हैं, देन राइट द फॉर्मूला एन माइनस एल माइनस 1, दैट इज कॉल्ड द रेडियल नोड्स ऑफ द ऑर्बिटल। अब हम बात करने वाले हैं अबाउट द एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स, इसमें पॉइंट आएगा हमारा एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल। तो अगर एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी इंक्रीज करती है ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन द ऑर्बिटल इज गिवन एज फॉलोज। अगर मैं बात करता हूँ कि 1s ऑर्बिटल की सबसे कम एनर्जी होगी,
उससे ज़्यादा हो जाएगी 2s की, और इन दोनों की सिमिलर होगी 2p के। इसी तरीके से फिर उससे ज़्यादा होगी 3s की, फिर ये बराबर होगी 3p के और 3d के। फिर बात करते हैं 4s, 4p, 4d और 4f सबसे लास्ट में आ जाएगा, और इसके बाद आ जाएगा हमारा 5s, और इसके बाद होगा 5p। ऐसे ही क्या होती है, इनकी एनर्जी धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू द नंबर इंक्रीज करती जाती है। ठीक है, एस 2p और 2s ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट, यानी कि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, 2p और 2s ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट है, मतलब तो एक दूसरे से डिफरेंट है। एक तो स्फेरिकल होती है और एक लोब्स वाली होती है। अंडरस्टैंड, द इलेक्ट्रॉन हैज़ द सेम एनर्जी, तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। इट इज़ प्रेजेंट इन 2p और 2s ऑर्बिटल, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन 2s और 2p ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होंगे उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दे आर इक्वल इन एनर्जी। जिन ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, जिन ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है उन्हें बोलते हैं डी जनरेट सेल्स या ऑर्बिटल्स। जिन भी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, उन्हें बोलेंगे डी जनरेट ऑर्बिटल्स। 1s ऑर्बिटल इन हाइड्रोजन एटम करिस्पोंड टू द मोस्ट स्टेबल कंडीशन, यानी कि जो 1s ऑर्बिटल होती है वो भी हाइड्रोजन के अंदर वो मोस्ट स्टेबल कंडीशन को करिस्पोंड करती है, एंड इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, और ये कहलाती है इसकी ग्राउंड स्टेट, यानी कि जो सबसे पहली स्टेट है वो उसकी, उसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। एंड इलेक्ट्रॉन रिसाइडिंग इन ऑर्बिटल इज स्ट्रॉन्गली हेल्ड बाई न्यूक्लियस, और किसी भी एक एटम के अंदर जो भी उसके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो क्या किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को हेल्ड माने पकड़ के रखा जाता है, किसके द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा। न्यूक्लियस क्या करता है, उन्हें हमेशा पकड़े रखता है, या फिर उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है जिससे वो उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट किए रहता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हैं जो 2s 2p में हैं, इनकी जो हायर ऑर्बिटल्स हैं इन द हाइड्रोजन एटम आर सेट टू बी एक्साइटेड स्टेट, यानी कि अगर किसी हाइड्रोजन एटम के अंदर 2s और 2p ऑर्बिटल है और ये हायर ऑर्बिटल कहलाएगी अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोजन, बिकॉज तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दिस इज कॉल्ड द एक्साइटेड स्टेट, मतलब इस ऑर्बिटल में अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कूद कर पहुंच जाता है तो वो कहलाएगी उनकी एक्साइटेड स्टेट। ऑल राइट, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड जेडी ऑन द न्यूक्लियस, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा उतना ही आप क्या देखेंगे कि अट्रैक्शन बिटवीन एटम भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ओके, आई एम सॉरी, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा उसके साथ ही। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एटम के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता जाता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर भी क्या होता है, इतना ही पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता जाता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इनर सेल, इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल विल नॉट एक्सपीरियंस फुल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आल डिस्कस इट दीज, तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो हैं बहुत कम एक अट्रैक्शन फोर्स को फील कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ वॉट, क्योंकि अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या कर रहे हैं, उसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बाहर वालों के लिए वो एक सील्ड की तरह काम करने लगते हैं, यानी कि बाहर वालों तक उसका इफेक्ट बहुत कम पहुंच पाता है, और ये इफेक्ट विल लोअर ड्यू टू द पार्शियल स्क्रीनिंग ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या होता जाता है, लोअर माने कम होता हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ वॉट, क्योंकि इनकी जो स्क्रीनिंग है यानी कि वो जो उसके सामने, न्यूक्लियस के सामने जो जा रहे हैं वो क्या होता जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज के सामने जो जा रहे हैं तो वो क्या होता जा रहा है, कम होता रहा है, हो गया है। तो इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के कॉन्टैक्ट में ना होने की वजह से न्यूक्लियस बाय द इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स
दिस इज नोन एज द शील्डिंग ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से क्या है कि वो जो शील्ड की तरह काम करते हैं अंदर वाले इलेक्ट्रॉन और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, वो शील्ड की तरह काम करेंगे, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ नोन एज शील्डिंग। एंड द नेट पॉजिटिव चार्ज, और जो भी नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाई आउटर इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों के द्वारा फील किया जाता है, उसे हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दैट इज़ नोन एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट इज़ फेल्ट बाई द इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट शेल। इन अदर वर्ल्ड एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन डिक्रीज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। यानी कि जितना एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ एटॉमिक नंबर की, और जितना ये इंक्रीज करेगा इतना ही क्या होगा इनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर और कीप इन योर माइंड। वन वन ऑफ द पॉइंट वी हैव डिस्कस हियर दैट इज़ द शील्डिंग इफेक्ट। तो इफ समवन आस्क यू व्हाट इज़ द शील्डिंग इफेक्ट, देन कीप रिमेंबर कि जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके, और जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि स्क्रीन की तरह काम करते हैं, एक शील्ड की तरह, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन के, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन कम हो गया, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। ठीक, और इनके बीच का जो अट्रैक्शन है, मतलब जो जितना अट्रैक्शन बाहर के इलेक्ट्रॉन्स और अंदर के इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में है, उसे मेजर करते हैं हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। ओके, वी हैव नाउ द अफबाउ प्रिंसिपल, द वन ऑफ द प्रिंसिपल दैट इज फर्स्ट टाइम यू आर सीइंग राइट नाउ। दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर सीइंग राइट नाउ बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड एक्चुअली बिकॉज इट विल प्ले अ वाइटल रोल टू अंडरस्टैंड द मैनी मैनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम। तो अफबाउ का मतलब क्या है, पहले तो ये समझना जरूरी है। ये एक जर्मन शब्द है और इसका मतलब होता है मेकअप, यानी कि किसी चीज़ को बनाना, या फिर हम सीधे शब्दों में कहते हैं कि बिल्डिंग बनाने जैसा इसका शब्द होता है, इसका अर्थ होता है। ठीक, तो इस प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो इसमें के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट्स में भरते हैं। ठीक, जैसे इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एनर्जीज। यानी कि अगर किसी की ग्राउंड स्टेट में अगर हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो हम भरेंगे लोअर टू हायर, यानी कि हमें लोअर से हायर की ओर बढ़ना है। यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वो पहले कम एनर्जी में, यानी कि जो न्यूक्लियस के सबसे करीब होगा उसके पास जाएंगे, फिर उससे बाद में उससे बाहर वाले के पास जाएंगे। तो दैट वी गो फ्रॉम लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स अवेलेबल टू द हायर एनर्जी, यानी कि जो हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होंगी उनके पास जाते रहेंगे। ठीक, तो जो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है एक पूरे एटम के अंदर, तो वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की होती है। अगर हम इसे अरेंज करें, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्बिटल ऑफ एनर्जीज इन द ऑर्बिटल इज नोन एज दोज आर फ्लोइंग। तो पहला आएगा 1s, ठीक, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 4f, 5d, 6p और 7s। दीज आर द ऑर्बिटल्स विच आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। द वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट के कुछ ऑर्बिटल्स को आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर, जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर 4s, 4d और इससे पहले आया है 4s। वॉट इज द रीज़न ऑफ दैट, इवन यू कैन सी हियर कि यहाँ पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले 5s में जाएंगे फिर उसके बाद 4d में जाएंगे। इसका रीज़न है क्योंकि जो यहाँ पर 5 है इसकी एनर्जी क्या है, लोअर है एज़ कम्पेयर टू 4d के। क्लियर, यहाँ पर क्या है, ये लोअर है एज़ कम्पेयर टू 4d के। तो
तो हम पहले क्या लिखते हैं, ऊपर से लिखना शुरू करते हैं 1s, फिर यहाँ पे 2s आ जाएगा, 2p आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3s, 3p, और फिर आ जाएगा 3d, फिर इसी तरीके से जो है नीचे तक आप देखते हैं 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, और देन वी सी 6s, 6p, 6d एंड 7s, 7p। ठीक, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट हम ये लेंगे और हम पहले लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स 1s में, फिर यहाँ आकर 2s में, फिर 3p में और फिर 3s में, एंड देन वी गो बैक एंड यहाँ पर 3p, फिर 4s, देन वी गो बैक एंड 3d, 4p, 6s एंड देन वी गो बैक एंड यहाँ पर 4d, 3p, 6s, और फिर से हम एक बार वापस जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4f, 5d, 6p, 7s एंड देन वन मोर टाइम दैट्स इज 5f, 6d एंड 7p। यहीं तक क्या होते हैं हमारे अभी तक के एटम्स, हम लोगों को पता है या फिर हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सपोज यहाँ पर हम एक चीज़ के बारे में पढ़ें, जैसे कि मैं बताता हूँ कि हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसमें 8 ही प्रोटॉन है और 8 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम इसके बेसिस पढ़ते हैं तो हम क्या करेंगे, पहली एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम एस ऑर्बिटल में जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, याद रखना। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक बॉक्स होता है, एक ऑर्बिटल होती है। पी की बात करें तो पी के अंदर जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट हैज़ 3 बॉक्सेस। अगर इसके बाद डी की बात करें तो इसके अंदर जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट हैज़ 5 बॉक्सेस। इफ भी बात करें एफ के बारे में तो यहाँ पे जाते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दैट्स कम्स आउट टू बी 7। तो अगर 7 है तो एक ऑर्बिट के अंदर क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, देन दैट्स बिकम 7 × 14। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ऑफ एफ के अंदर आएंगे 14 इलेक्ट्रॉन और डी के अंदर आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे पी के अंदर और एस के अंदर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिर्फ एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ छोटा सा, दैट टू क्लियरिफाई कि हमने क्या सीखा अभी तक। हमेशा जितने इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम में होंगे आपको सिर्फ और सिर्फ उतने ही भरने हैं, उससे एक भी ज़्यादा नहीं भरना है और उससे एक भी कम नहीं भरना है, आपको टोटल उतने ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं जितने कि उसमें दिए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं यहाँ पर कि आपके पास सोडियम है और इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या है, 11 है। अब जितने इलेक्ट्रॉन हैं इतने क्या होंगे, जितने प्रोटॉन है इसका एटॉमिक नंबर है, वही क्या हो जाएगा, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस केस में हम पहले भरेंगे 1s2, फिर भरेंगे 2s2 एंड देन फिर भरेंगे हम 2p6, और 6 भरने के बाद फिर हमारी अगली ऑर्बिटल आती है 3s, और हमारे पास कितने हो गए, 2, 2, 4, 4, 6, 10, और यहाँ पर कितना बचा, 11। यानी कि इसके पास क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या देखते हैं कि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो गया है कौन सी में गया है, 3s ऑर्बिटल के अंदर गया है। इट्स सिंपली डन, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हमने इसे इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से भर दिया है। अब हम बात करते हैं अगला कोई एक एटम लेने के बाद, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर हमने ले लिया SiM सिलिकन, एटॉमिक नंबर 14, करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p। अब क्या बचता है, 14, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे कौन से वाले में, 3p के अंदर, 3s के बाद। देन द सीरियल बिकम्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट दैट्स नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ वी हैव द पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ
वंडरफुल प्रिंसिपल्स फ्रॉम केमिस्ट्री थ्योरी। यहाँ पे बात करें, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल नो टू एलिमेंट्स इन दिस एटम्स हैव द सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स। इन्होंने बोला था कि किसी भी एक एटम के अंदर, ठीक, किन्हीं भी जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो उन प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का के चारों क्वांटम नंबर किसी एक एटम में कभी भी बराबर नहीं हो सकते। इट कैन ऑल्सो बी स्टेटेड अदरवाइज एज ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल। यानी कि ऐसा तो हो सकता है कि कोई दो इलेक्ट्रॉन्स क्या हों, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल के अंदर या एक ही जगह पर एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी कि रह सकते हैं, लेकिन दीज ऑर्बिटल्स मस्ट हैव अपोजिट स्पिन्स। लेकिन इन ऑर्बिटल्स के अंदर अपोजिट स्पिन होनी चाहिए, यानी कि जो अपोजिट स्पिन है एटम्स की, वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। इन केस ऑफ दैट कि अगर तीन ऑर्बिट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर भी हो जाएं, तो तीसरी वाली क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी अकोमोडेटेड इन द सेल विल बी द इक्वल टू द नंबर ऑफ टू एन स्क्वायर रूल। यानी कि अगर हमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में आ सकते हैं वो कैलकुलेट करना हो, तो वी कैन यूज़ द फॉर्मूला टू एन स्क्वायर रूल। इट विल टेल यू कि हाउ मच और हाउ मैनी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल इन वन ऑफ ऑर्बिटल। अगले की बात करें तो ये आता है हंट्स रूल। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हंट्स रूल टॉक अबाउट कि दीज रूल डील्स विथ फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल किया जाता है किसी भी ऑर्बिटल के अंदर बिलोंगिंग टू सेम सबसेल। यानी कि जो सेम सबसेल के अंदर अगर हम भरते हैं तो इक्वल एनर्जी कॉल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल्स। और अगर किसी एक सेल के अंदर एनर्जी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वो क्या कहलाती हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल कहलाती हैं। इन्होंने कहा कि पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल PDF डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल ऑफ द सब्सटेंस सबसेल गेट्स वन इलेक्ट्रॉन दैट इज सिंगली ऑक्यूपाइड। इन्होंने बताया था कि अगर किसी ऑर्बिट के अंदर आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, एक एटम के अंदर क्या होता है, अगर हम उसे सिंपली कंपेयर करें तो किस इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरा जाएगा एस पी और पी डी एफ ऑर्बिटल के अंदर। पी डी एफ ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन करके भरा जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन भरने की वजह से पेयरिंग जो होती है तब होती है जब उसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भर चुका है। आई एम टॉकिंग अबाउट अकेले अकेले पी के अंदर, टी के अंदर और एफ के अंदर। सम ऑर्बिटल्स एक्वायर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। और कुछ जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो कुछ ज़्यादा स्टेबिलिटी पा लेती हैं ड्यू टू देयर सिमेट्री। किस वजह से, सिर्फ और सिर्फ उनकी सिमेट्री की वजह से। ऑर्बिटल्स के अंदर उनकी सिमेट्री की वजह से क्या आ जाती है, स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी डेवलप हो जाती है। बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टू ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि अगर आप क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें इलेक्ट्रॉन्स को इन द ऑर्बिटल्स ऑफ द एटम, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई टू वेज। पहला होता है नॉर्मल नोटेशन के द्वारा, और दूसरा होता है ऑर्बिटल डायग्राम के द्वारा। यानी कि या तो आप नॉर्मल नोटेशन के बारे में बता दें कि नॉर्मल नोटेशन के थ्रू किस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, और दूसरा बचता है हमारे पास कि हम क्या करें इसके अंदर के ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के बाद उस चीज़ को दिखा दें। एज गिवन इन द टेक्स्ट बुक, जैसे कि हमारी बुक में दिया गया है, द इलेक्ट्रॉन इन द कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक सेल विद द हाइएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आर कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो हायर एनर्जी वाली ऑर्बिटल के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, और ये सबसे बाहर वाली ऑर्बिटल्स होगी, वही कहलाती है हमारी बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिकॉज दीज इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है,
इलेक्ट्रॉनिक केमिकल रिएक्शंस, दीज काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस और इन्हीं की वजह से क्या होते हैं, बॉन्ड्स बनते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और बींग द पार्ट ऑफ दिस वीडियो, गुड बाय। और ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है देन कॉन्टैक्ट मी एंड हम उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे या फिर जूम मीटिंग में डिस्कस करेंगे एंड देन टॉपिक्स हमारे क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बींग द पार्ट ऑफ दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।